हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी अभी मैं उठ चुकी हूँ और टाइम हो रहा है, 9:30 हो रहे हैं, और आज मैंने अच्छे से अपनी नींद पूरी की है, बहुत ही फ्रेश उसमें। और अब चलो चलते हैं। रात को मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं अपने लिए। आज मैं हेल्दी फूड खाऊंगी सारा दिन, और कोई ऐसी चटर पटर नहीं खाऊंगी। संडे आज, बट फिर भी। और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से हेल्दी फूड होते हैं और जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए। तो देखते हैं किचन में क्या है। मम्मा भी नहीं है, भैया भी नहीं है, विजय भी नहीं है, मैं हूँ और पापा है। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं अपने लिए। सबसे पहले तो पानी। मैंने आलू डाल दिए हैं। पापा फोन पे बात कर रहे हैं। मैंने आलू डाले अपने लिए और इसको भी उबलने देते हैं थोड़ा। हेल्दी आलू में बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि आलू आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, जितना एग होता है उसके बिल्कुल इक्वल होते हैं, इसलिए अगर आप आलू बॉईल करके खाओगे। तो चलो अभी आलू बॉईल होने देते हैं। मैंने अपना फेस भी क्लीन कर दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि मैं शाम का खाना नहीं खाया है, तो इसलिए चलो खजूर खाते हैं। तो मैंने दूध गर्म किया है, गर्मा गर्म दूध लिया, और ये है खजूर। खजूर अगर आप दूध के साथ खाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा, ऐसा कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इससे खून भी बढ़ता है, आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होती है, और इसको दूध के साथ खाना चाहिए खजूर को। तो मैं खा रही हूँ। तो मैंने बैटिंग तो कर दी है। मैंने मैंने जो आलू उबाले थे वो उबल के आ गए हैं, मतलब कि वो पक चुके हैं। अब मैं इनको अच्छे से छीलूंगी और एक आलू मैंने खाऊंगी, मतलब ऐसे ही उबाल के, इसमें तड़का नहीं लगाऊंगी मैं। बॉइल्ड एग की तरह होता है आलू। और आप रोज़ अपनी डाइट में इसको शामिल कर सकते हो जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है। और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर नमक लगाया है। तो चलो अब इसको खा लेते हैं। वैसे मेरा मन बिल्कुल नहीं था खाने का क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ऐसा था जैसे बेस्वाद है, जैसा बिल्कुल कोई स्वाद नहीं था उसमें। बस ये मैं इसलिए खा रही थी क्योंकि, मतलब क्या करे यार, थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। अगर किसी को ज़रूरत है तो वो भी इसको ज़रूर अपनी डाइट पे शामिल करे। चलो मैं फटाफट से इसको खा लेती हूँ। अब मैं जो आलू बचे थे, थोड़े से 4-5 आलू बने बचे थे, उसको मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, सूखी जैसी सब्ज़ी बना रही हूँ। प्याज वगैरह कट कर रही हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि इतना काम करना होता है। देखो ब्रेकफास्ट मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ मैंने दूध पिया, पानी पिया और ये जो मैंने खाया अभी आलू, बस। तो जब आपको खड़े रहना है, इतना काम करना है, जो भी वुमेंस है वो सारा दिन काम करती है, इतना ज़्यादा काम करते हैं, तो आप अपनी डाइट में इसको ज़रूर शामिल करें। जो एग नहीं खाता उनको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है ये चीज़ें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी आलू की सब्ज़ी कैसी लग रही थी। ये देखिए मेरी आलू की सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी, इतनी टेस्टी बनी थी ना सच में, सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यम बनी थी। और अब मुझे क्या करना है, मुझे कपड़े धोने हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, देखो ज़रा आप यार, काफ़ी थे मेरी थे। मैंने कपड़े धो दिए हैं सारे के सारे और अब बस लंच करना है। विजय का वेट कर रही हूँ मैं, और आज मौसम कुछ ऐसा है, और यहाँ हूँ मैं। धूप सेक लेते हैं थोड़ी सी देर। तो मैंने सारा का सारा काम कंप्लीट कर दिया है, ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ कर दिया, और अब मैं तैयार हो गई हूँ। और देखो मैं क्या पहन के जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ संजौली एकेडमी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यूथ फेस्टिवल की तैयारी है और मेरा कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ है। और थैंक गॉड कि हमारे को टीचर्स ऐसे मिले हैं जो खुद भी आराम नहीं करते और हमारे को भी नहीं करने देते। तो चलो अब चलते हैं संजौली की, और मुझे 3 बजे संजौली पहुंचना है, और अभी टाइम हो रहा है 1 समथिंग हो रहा है, हाँ 1 बज गया होगा शायद। तो चलो अब चलते हैं। और मैंने सोचा था आज मैं आराम करूँगी, और मैंने कपड़े भी डाले परे सूखने के लिए, अब देखते हैं यार। तो चलो आप भी चलो मेरे साथ संजौली की, और कितना भागना पड़ता है, भाग भाग लाइफ है मेरी।
आज मैं क्या बन के जा रही हूँ आप देख सकते हो यार। एक्चुअली मैं ना बहुत टलती हूँ कि मुझे तैयार ना होना पड़े कॉलेज में जाके, या कहीं भी जब आज मैं सर के घर जा रही हूँ तो मैंने सोचा ऐसे ही कपड़े पहन के जाती हूँ जो मुझे चेंज ना करना पड़े। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो, मतलब इतना अच्छा नज़ारा। और अब मेरे को बस मिल चुकी है BCS के लिए, और ये गुरुद्वारा है यहाँ पर। शिमला का मौसम ऐसा ही है, कभी धूप कभी छाँव और कभी बादल और बर्फ बरसात, बस यही है हर जगह का मौसम। और मैं सबसे लास्ट वाली सीट में बैठी हूँ, मेरे पीछे कोई भी नहीं था बैठा हुआ, इसलिए मैं कैमरा ऑन करके मतलब थोड़ा सा इंटरव्यू जैसा करा, पर मेरे से बोलना नहीं गया कुछ भी। मेरे को ना बहुत शर्म जैसी आती है लोगों के सामने कैमरा फेस करने के लिए ना, ऐसे मैं कैमरा फेस कर सकती हूँ पर लोगों के सामने नहीं होता मुझसे। और आज बहुत ही अच्छी धूप लगी है, तो चलो अब मैं आपको ले चलती हूँ। और फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ सर के घर। चीनू, ये क्या लेके आए हो आप? हाँ यहाँ से फूंक मारते हैं हाँ, तो ये ऐसे उड़ता है। चलो मारिए जरा। वो ये तो उड़ ही गया। हाँ वेरी गुड। और यहाँ पर मैं मटर छील रही हूँ। चिन्नू मुझे कहाँ ले जा रहा है? चिन्नू कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? हाँ आज सारी शॉप बंद है तो बहुत नीचे जा रहे हैं। क्यों है बंद आज सारी की सारी शॉप्स? अच्छा मैम क्या बना रहे हैं आज हमारे लिए? हैं मटर पुलाव। अच्छा, हाँ यही तो पूछ रही थी मैं आपसे। चलो तब चलते हैं दुकान, ये तो बंद है यहाँ पर तो। यार अब कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? यहाँ किराया क्यों आपने खर्च करवाया? चीनू हमने तो ग्राम इसको। बाय इसमें बाय बाय दीदी। चलो मैं चलती हूँ, मैम भी जा रहे हैं मेरे साथ, कल मिलते हैं दीदी। तो अब मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है और मुझे वापस घर आना था, तो मैम और सर को भी जाना था काम से कहीं, तो मैम ने बोला कि चल तू मेरे साथ ही चल, हमारे साथ ही चल। तो मैं आधे रास्ते तक मैम और सर के साथ आई। और आज का दिन जो था, मतलब 3 बजे के बाद, तो बहुत ही थकान भरा था, बहुत 3-4 बार प्रैक्टिस की, तो जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जब प्रैक्टिस होती है फिर मेरे को शर्म आती है, मतलब मेरे को डर लगता है सर ना डांटते हैं कि तुम फ़ोन पे ध्यान था तुम्हारा, इसलिए मैं कैमरा नहीं उठा सकती, क्योंकि अपने टीचर से डर तो लगता ही है यार। अब मुझे बस मिल चुकी है और मुझे जाना है चक्कर, तो देखते हैं कि मेरे को बस स्टैंड से बस मिलती है। मतलब सच में मुझे ना, जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंची, वहाँ पर बस लगी थी चक्कर के लिए, और मुझे चक्कर के लिए बस मिल गई और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। मैं ले नहीं पाई, थोड़ा सा शूट हुआ मुझसे, और 6 बजे थे हाँ उस टाइम, और इतना अंधेरा हो गया था, आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है। और अब मुझे बस घर पहुँचना है और पाँव धोने हैं सबसे पहले जाके। सच में मतलब पाँव सेकने का मज़ा ना कुछ और ही होता है, और मैं ज़रूर रोज़ मेरे को ना अपने पाँव को आराम देना ज़रूरी होता है। तो मैं सर के घर से तो आ गई, मेरे पाँव वगैरह धोए और थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि सुबह मैंने सारा दिन काम किया। पहले तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह बनाई और कपड़े धोए, साफ़ सफाई करी, उसके बाद मुझे सर की कॉल आ गई थी कि प्रैक्टिस करने आ जाइयो, और फिर मैं सर के घर गई थी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सर मतलब सच में हमारे को टचवुड बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं जो हमारे लिए इतनी पेन लेते हैं, क्योंकि कोई नहीं पूछता किसी को यार। और फिर मैम वगैरह मुझे छोड़ने भी आए थे आधे रास्ते तक, तो मैं आ गई। और अब हम मैं और विजय खाना खाएंगे, पापा गए शादी में, मम्मी और भैया गांव में हैं, तो मैं और विजय विजय पर एक गेम खेल रहा हूँ, और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ वीडियो एडिट कर रही हूँ। कल मैंने इसलिए व्लॉग नहीं डाला मैंने पिछले कल, पता है क्या हो रहा है यार मेरे पास ना, मैं आपसे सच में सॉरी मांगना चाहती हूँ, इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही बीच में, इसलिए मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको कैसे बताऊँ यार, सुबह से शाम तक इतनी प्रैक्टिस होती है ना यार, तो थोड़ा सा समझो, बस थोड़े से दिन की बात है, उसके बाद से मैं आपके लिए, और मैं आपके लिए अच्छा करना चाहती हूँ, ऐसे रोज़ रोज़ आपको पकाना अच्छी बात नहीं है, मतलब डालने के लिए मैं हर कुछ नहीं डाल सकती, रोज़ अच्छा डालना चाहती हूँ, मैं अच्छे व्लॉग्स डालना चाहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करो। चलो खाना खाने चलते हैं पर, और देखते हैं विजय ने क्या बनाया है आज। और आज मैं कुछ लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत ही ताकत मिलेगी, आज मैं आपको ताकतवर चीज़ें बता रही हूँ, वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैं खुद अपनी डाइट पे फॉलो करूँगी, और देखूँगी कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत है, और जो जिम जाते हैं लोग उनको भी फ़ायदा होगा इससे।
फायदा तो होगा यार, देखते हैं। खाती तो हूँ मैं, खा तो रही हूँ। अभी इतनी देर से आवाज मार रही हूँ उसको कि उठ जा खाना खाने। उठ ही नहीं रहा, 9:30 हो गए, खाना खाने नहीं उठ रहा लड़का। मैं बैठी हूँ विजय विजय बोल चिल्ला रही हूँ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं बैठी हुई हूँ आपसे बात कर रही हूँ अब तो। चलो हम खाना खा लेते हैं, मनाती हूँ उसको। मैं चल खाना खाते हैं अब, अकेले मेरा भी मन नहीं करता। मैं जैसे ही घर पहुंची और वैसे ही विजय ने खाना बनाया था। विजय ने बहुत ही यमी दाल बनाई थी चने की, और तो हम दोनों ने खाना खाया। पापा भी नहीं थे आज, पापा शादी में गए थे, और मैंने घी रखा है, ये मेरी प्लेट लग चुकी है। तो चलो मैं खाना खा लेती तो हूँ। खाना तो बहुत ही ज्यादा मजेदार बना था, मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, और मेरे पेट में इतनी सी भी जगह नहीं है कि मैं दूध भी पी सकूँ अब। और अब सिर्फ सोना है आराम से। और मैंने देखो यहाँ पर कप भी रख दिया था अपने लिए, पर अब मुझे बिल्कुल भी मतलब भूख नहीं है क्योंकि मेरे पेट में इतनी सी भी जगह नहीं है। अगर आप आपको वैसे खाना खाने के बाद जो अलसी वाले लड्डू होते काले काले जैसे आते हैं जो, वो और दूध के साथ खाना चाहिए या खजूर खाने चाहिए, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने भी कुछ दिन पहले ही ट्राई किया है जब से मेरी ज़्यादा डबल प्रैक्टिस शुरू हुई है तब से। और मुझे आप एक और सजेशन देना, मैं खा रही हूँ रिवाइटल वुमेन, ये देखिए ये खा रही हूँ मैं, बिकॉज मुझे प्रैक्टिस के लिए थोड़ी ज़्यादा मुझे जान चाहिए होती है। और जैसे मैंने आपको बताया है, तो मैं आपको कैसे बताऊँ सारा दिन, मतलब अगर मेरे से हो पाया कल तो मैं आपके लिए पूरा शूट करूँगी किस किस तरीके से हम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि आपको मैं इतनी खतरनाक हालत में होती हूँ कि मैं आपको शूट जो मैंने किया होता है मैं एडिट करने का भी टाइम नहीं लगता है। तो चलो ठीक है, आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। ये चीज़ें हैं जो आप अपनी हेल्थ रूटीन में शामिल कर सकते हो, और जो आपका मतलब जैसे सर्दियाँ हैं अब तो सर्दियों में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। काले काले लड्डू सुबह उठ के खाऊंगी मैं, आप मेरे कल के ब्लॉग में ज़रूर देखोगे। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और बर्तन भी धो दिए मैंने, सारा कुछ सारा काम कर दिया मैंने। तो चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट।